गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने साथ वरदा भूषण साठे हैं, जो जुम्बा के एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। मैम, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम है वरदा भूषण साठे। मैं जिन वरदा, जिन मीन्स आई एम अ सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है। मेरे गुरु है श्वेता कुलकर्णी, शी इज़ फ्रॉम पुणे। मैं उनसे ट्रेनिंग लिया है मैंने, पूना के। वो एकलौते जिस्ट है, जिस्ट मीन्स जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट, श्वेता कुलकर्णी, इनके अंदर मैंने ट्रेनिंग लिया है। सो प्लीज़, जब आप जुम्बा ज्वाइन करोगे, जिम में ज्वाइन करोगे, पर्सनल ट्रेनिंग लोगे जुम्बा का, तो प्लीज़ ये चेक कीजिए कि वो जिन है ना, लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर है कि नहीं, प्लीज़ ये चेक कीजिए। मैम, सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में जो अगर लाइसेंस नहीं रहता है तो वैसी स्थिति में किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। यानी मुझे अगर कोई कोई किसी व्यक्ति को, मतलब ए पर्सन हु हैव एन तो वो जो अगर सिखाते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। एक्चुअली अगर आपने गलत इंस्ट्रक्टर के अंडर अगर जुम्बा लगाया तो आपको नी पेन होता है, बॉडी पेन होता है। सो प्लीज़ वो चेक कीजिए कि वो लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर है ना, बस दैट्स इट। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज मैंने किया तो मैंने देखा कि न केवल आपका हाथ काम करता है, पैर, ब्रेन, सारे चीज़ काम करते हैं। वास्तव में मल्टीपल फंक्शन जो होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स, वो सारे काम करना आरंभ कर देते हैं। मैम, इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगी? हाँ, जुम्बा का फ़ायदा यही है कि जुम्बा फुल बॉडी वर्कआउट है। आपका हार्ट बूस्ट होता है, इससे आपका हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, आपका लोगों के साथ का कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, इसमें बहुत मज़ा आता है। जब आप जुम्बा करते हो ना, तो जब कोऑर्डिनेशन आता है ना, तो सबका हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होता है और सबको खुशी मिलती है। सो सबसे मेन ये बात है जुम्बा का कि म्यूज़िक पे वर्कआउट होता है जुम्बा का। तो आप 1 आवर वर्कआउट कर रहे हो, ये आपको समझ में भी नहीं आता कि 1 आवर कब ख़त्म हो गया। सो जुम्बा इज़ द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर फिटनेस। सो प्लीज ज्वाइन जुम्बा इफ यू। मैम, वीक में एवरी डे करना चाहिए या नहीं? वीक में 3 डेज इज सफिशियंट फॉर जुम्बा। 2 दिन आप वर्कआउट करो, वॉक करो, ट्रेकिंग करो, जो आपको करना है। 3 डेज इज सफिशियंट फॉर जुम्बा। खाने के लिए कुछ नहीं? खाने का कुछ नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन डेली वर्कआउट रखो, वर्कआउट में कंसिस्टेंसी रखो। आप एक दिन कर रहे हो, 2 दिन गैप, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप योगा कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, ट्रेकिंग कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी प्लीज़ रखिए, तो ही उसका फ़ायदा होता है फिटनेस का। अदरवाइज़ कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप सब खा सकते हो, लेकिन वर्कआउट रोज कीजिए। ये मैम कितने बजे तक होता है और कौन करवा रहे हैं? यहाँ पे मैं आई एम फ्रॉम तलेगांव दाभाड़े। यहाँ पे नगर परिषद के जो CEO है, विजय कुमार सरनाइक सर, इन्होंने यहाँ पे तालाव है, यहाँ पे स्टेशन तालाव परिसर बोलते हैं, वहाँ पे मॉर्निंग में 7 to 8 मंडे टू फ्राइडे योगा के सेशंस रखे हैं और सैटरडे संडे जुम्बा के सेशंस रखे हैं। और ये फ्री है लोगों को, एकदम फ्री। आप प्लीज़ आओ और ज्वाइन कीजिए हमारे दोनों सेशंस, योगा और जुम्बा, 7 to 8 इन मॉर्निंग। थैंक यू मैम, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और आपसे विनम्र निवेदन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। फक्त शोल्डर मागे वळायचं नाहीये। दुसऱ्या पायावर हात, पाय स्ट्रेट, दोन फोल्ड। Reach out to me.
खाली वाकल्यावर पाऊल असे उचल उचलायचे. ज्यांना शूज वर बसणार त्या त्यांनी शूज वर नाही तर काढलं तरी चालेल. श्वास घ्यायचे, खाली वाकताना सोडायचे, ओके, आणि हात ताणायचे. थोड्या वेळ रिलॅक्स बसा. क्रॉस जेवढा जमतंय क्रॉस म्हणजे पाय ठेवायला तेवढं. हां, एक हात पुढे पूर्ण टेकलेला, एक हात मागे, आणि आपल्या मागे सगळ्यांनी बघायचे. सेंटर, अदर साइड सेम. गुड. Thank you so much.